वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतह, सत श्री अकाल, नमो बधाई, जमो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम साथी, वाहि सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साल साथी, हम सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाहि सो मानवता उठाता है। आज रखेगी आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना या चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज की मुलाकात, खास मुलाकात हमारे टीना, तो टीना जी ने जो मतलब टीना चौहान जी हैं जिन्होंने एक सफलता हासिल की है, तो उनसे जानेंगे कि उनका क्या राज है इसके पीछे और कैसे कैसे सफलता हासिल की है, तो उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। जी टीना चौहान जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, धन्यवाद। जी आपका जो हमने सुना कि आपने कामयाबी हासिल की है, तो थोड़ा हमें बताएं इसके बारे में कि आपको कामयाबी हासिल करके पहले तो ये बताए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जी सर, अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ये कामयाबी मिली है, तो उसके बाद में पूरे समाज में और हमारे टीचर्स वगैरह बहुत खुश है और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी आपने कौन से स्कूल से ये अपने कामयाबी हासिल की है और मतलब किस किस तरीके की परेशानियां मतलब का सामना करना पड़ा आपको? जी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पिलवास है सर, जी वहां से मैं पढ़ाई करती थी और फिर अब वहां पर जब रिजल्ट आया तो फिर रिजल्ट बहुत अच्छा आया और एमपी की मेरिट लिस्ट में आ गया नाम, तो ये समझ। तो इसमें जैसे मतलब आपने जो हासिल किया है कामयाबी, इसके पीछे टीचरों का खास कर का हाथ होता है, माँ बाप का भी हाथ होता है, तो सबसे पहले आपका इसमें साथ देने वाले कौन कौन से, उनका नाम ले लीजिए, उसका नाम बताइए प्लीज कृपया। मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था और पापा हमेशा मतलब बताते थे कि कैसे हम कर सकते हैं काम, और इसके अलावा टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते थे और हर चीज बहुत अच्छे से समझाई जाती थी स्कूल में। हमारे प्रिंसिपल सर स्पेशली बहुत अच्छे हैं जो कि मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, तो इस कामयाबी के लिए उनका भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। और हमारे जो हमारे जिले के जो जिलाधीश महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी है वो भी पर्सनली बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ये सब उनका उनको भी इसका श्रेय जाता है सर। अगर आप उनका खुलकर नाम लेना चाहते हैं, आप वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल को घबराने की जरूरत नहीं है, आपका अपना टीवी चैनल है इस पर, तो इसमें उनका नाम भी ले सकते हैं, अपने माता पिता को भी बोल सकते हैं, जो भी आप खुलकर बताए जी उनका नाम ले सकते हैं। पापा का नाम श्रीमान कन्हैयालाल जी चौहान और मम्मी का नाम श्रीमती कविताबाई चौहान है, जी और प्रिंसिपल सर हमारे केसी मालवी सर है, उन्होंने भी बहुत अच्छा करा। जी जी तो साथियों हम बताना चाहते हैं कि देखो इसमें कामयाबी तो बहुत कुछ हासिल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों जो के पास में नकली सर्टिफिकेट होते हैं, बहुत सारे लोग जो है मतलब ड्रामेबाजी बहुत चलती है लोगों में, लेकिन ये असली देखो असली मतलब टीना चौहान है। हमने एक पहले इंटरव्यू लिया था वॉइस ऑफ मानवता का, वॉइस ऑफ खालसा रेडियो पर लिया था, तो उस वक्त मेरे ख्याल उम्र भी छोटी थी, अब तो इन्होंने काफी उस वक्त कामयाबी उस वक्त भी धड़ाके से बोल रही थी, तो आज भी वो उसी हिसाब से बोल रही है, तो हम इनके माँ बाप को भी बधाई देते हैं और ये पूरे स्कूल वालों को बधाई देते हैं। तो टीना जी ऐसा है देखो, एक मिनट, ऐसा एकदम से तो कामयाबी नहीं मिलती है, इसमें बहुत सारी अड़चनें भी आई होंगी और मेहनत के होगी, तो किस किस तरीके की इसमें अड़चनें आई है सामने, ताकि जो और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि डर जाते हैं देख करके मेहनत, मतलब बहुत सारे सोचते हैं कि हमें कोई कराग्राह मिल जाए, बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि बस बैठे बैठाए हमें जो है कामयाबी मिल जाए, तो उनको क्या कहना चाहती है, तो इसमें कितनी दिक्कत आई इसमें जी हर पहुंचने तक? सर इसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, जैसे अगर हम कुछ टॉपिक भी पढ़ते हैं तो अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चे बहुत बार करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, उसको एक बार समझ में नहीं आता है तो दो बार पढ़ो, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि ऐसे किसी को समझ में नहीं आता है कि बच्चे को कहाँ बता रहे थे, तो पूछना और बात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसकी वजह से हम अपनी सारी परेशानियों को क्लियर कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सरकारी सेकेंडरी स्कूल की बात कर रही है, सरकारी स्कूल तो आजकल का इनका भट्टा बैठा बड़ा है, जो मतलब जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं ज्यादातर, तो प्राइवेट स्कूल तो लूटने का काम कर रहे हैं, जेब कतरे बैठे वहां पर जितने बैठे हैं, हम तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को मतलब लूटने का काम करते हैं, तो इसमें सरकारी स्कूल में और जो जो प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर नजर आया आपको? प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल वैसे तो दोनों है तो स्कूल, लेकिन सरकारी स्कूल का एक फायदा यह रहता है कि वहां पर हम मतलब पैसे नहीं लगते एक तो हमारे,
तो वो जो पैसे बचे हुए हैं उनको हम अपनी और हायर स्टडीज में खर्च कर सकते हैं, क्योंकि लाखों रुपए लग जाते हैं एक साल के किसी छोटी क्लास में भी बच्चों के। तो जी जो छोटे छोटे इलाके के माँ बाप रहते हैं या जिनको गरीब रहते हैं, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, और उसके बाद भी अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या है उसको पहले समझे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि प्राइवेट स्कूल अच्छा है या सरकारी। जी 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 तो ये जो आपने पीछे जो लगा रखा है मानव धर्म, इसमें आप थोड़ा सी बारे में बताएंगे, राष्ट्र जो आप पीछे जो बोर्ड लगा रखा है आपने, इसमें इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, मानव धर्म मतलब हम मानव के अंदर दो चीजें होती है, बुद्धि और जी करुणा, है ना। जी जी तो हमको इसमें किस राह पर चलना चाहिए, जैसे हम अगर किसी इंसान में बुद्धि और करुणा दोनों सम्यक है तो वो जी क्या करेगा, वो एक महान इंसान कहलाएगा, क्योंकि वो बुद्धि का और करुणा का इक्वली यूज कर सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर करुणा ज्यादा है लेकिन बुद्धि नहीं है उसके पास, तो फिर क्या होगा, करुणा बहुत है मतलब वो लोगों पर दया बहुत कर सकता है लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, तो उसका भी कोई यूज नहीं रहेगा। वो मतलब अगर कोई उसको अलग तरीके से समझाएगा तो वो उसकी बातों में आ जाएगा, है ना। और अगर जी किसी के पास बुद्धि ज्यादा है और करुणा नहीं है तो फिर वो अपनी बुद्धि को गलत राह पर भी, गलत ट्रैक पर भी ले जा सकता है। तो इसीलिए मानव को हमेशा बुद्धि और करुणा के बीच सम्यक रहना चाहिए। तो ये वाला है, इसका मतलब तो यही है। और जो राष्ट्र वाला आपने पूछा, तो राष्ट्र का मतलब भावनात्मक और विचारधारा से होता है। तो हमने सबसे पहले तो देश मतलब एक राष्ट्र के अंदर बहुत सारे देश हो सकते हैं, है ना, और देश के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में अगर हम आज की बात देखें तो हम एक देश के अंदर बहुत सारे राष्ट्र देखते हैं, एटलीस्ट राज्य के अंदर भी बहुत सारे राष्ट्र देखते हैं, जिले के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर, परिवार के अंदर और एक इंसान के अंदर भी बहुत सारे राष्ट्र हैं। यानी कि कॉम्प्लिकेशंस, हम एक विचारधारा से जुड़े ही नहीं है। मतलब दो लोगों की बात तो अलग है कि वो दोनों की विचारधारा अलग है, लेकिन हमारे मन के अंदर भी, खुद खुद के अंदर ही बहुत सारी विचारधाराएं चलती है, हम खुद ही अंदर से उलझे हुए पड़े हैं। मतलब एक मन जी नहीं है हमारे पास, ये इसका मतलब है। थोड़ा उसको मैं और भी कर देता हूँ थोड़ा। क्या होता है टीना जी, जैसे अपने मानव धर्म के बुद्धि की बात करी, करुणा की बात करी, बुद्धि की बात करी है, इसमें बुद्धि ही उसकी मतलब जिसके अंदर करुणा होती है ना, तो करुणा का मतलब है ना, अगर बुद्धि विकसित हुई है, विकास से मतलब चल पड़ी है, तभी उसके अंदर करुणा पैदा होती है इंसान के। बुद्धि का विकास मतलब जैसे बहुत सारे नफरत करते हैं दूसरे साथ में, इनकी बुद्धि विकास से विकासशील नहीं है ना, तो इनकी बुद्धि ने काम किया स्टार्ट, क्योंकि करुणा एक पहला पड़ाव होता है दया। गुरु नानक साहब कहते हैं कि धोल धर्म दया का पूत, ये जो दया है वो धर्म जो है, धर्म का पूत मतलब जो दया है उसका पुत्र धर्म है। तो मतलब करुणा एक एक इंसानियत की शुरुआत है, बुद्धि बुद्धि की मतलब विकसित का एक शुरुआत है, ऐसा कह सकते हैं। अब तो इसमें एक बात बताएंगे, जैसे मतलब आप पढ़ी हैं, मतलब जैसे बहुत सारे लोग टांगे खींचने वाले बहुत बैठे होते हैं, कि बहुत सारे कहते हैं कि मतलब जो कोई कामयाबी की तरफ बढ़ता है ना, उसको ऐसा तो होता नहीं कि उसको बढ़ने देता कोई ना कोई, रोकने के लिए जरूर आते हैं कोई ना कोई। तो ऐसे बताएं कि आपको रोकने वाले कितने लोग आए थे बीच में, जो मतलब क्योंकि चढ़ते को कोई नहीं देख सकता है, गिरते को तो मतलब अगर गिर जाए ना कोई नीचे तो उसकी बेइज्जती करते हैं, और जो दो आगे चल पड़ता है उसको भी बेइज्जती करते हैं, तो मतलब छोड़ते किसी को नहीं है। तो ऐसे किन किन लोगों से मुलाकात हुई आपके रास्ते में जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की? नाम मत लेना उनका, उन्होंने नाम मत लेना चाहे। जैसे अगर कोई इंसान कामयाब हो रहा है ना, तो कामयाब होगा तो उसको लोग मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ये कि उसकी कामयाबी से खुश है, एक वो जो उसकी कामयाबी से दुखी है। लेकिन दोनों कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। जो अच्छा, हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा सोचने वाला हमारे बारे में वो भी ये कहेगा कि आपने अच्छा तो करा लेकिन इसमें ये कमी रह गई। और जो हमको बुरा कहना चाहता है वो भी यही कहेगा कि वो हमारी बुराई को हाईलाइट करेगा। तो अल्टीमेटली हो यही रहा है कि हम अपनी बुराई से परिचित हो जा रहे हैं और उसके बाद में हम उसको सॉल्व या फिर उसको रियलाइज करके फिर उसको हम अमेंड कर सकते हैं, और उसके बाद में वापस हम और अच्छी पोजीशन पर आ सकते हैं। तो ये जो टांग खींचने वाले होते हैं, एक्चुअल में वो हमको वो टांग को सही करते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मतलब वो हमको पावर देते हैं एक तरीके से ऐसा। जी, इसमें कैसे बोल सकते हैं ना, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव निकालना, हर एक चीज हर एक नेगेटिव बात के पीछे पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव के पीछे नेगेटिव होता है,
सिर्फ इतना है कि आपने किस चीज को पकड़ना है। तो हमने तो अगर आपने अच्छी चीज को पकड़ना है तो अगर नेगेटिव सामने आ भी गए ना कि बुराई करने वाला आ रहा है आपके सामने, इसका मतलब आपकी अच्छाई से वो मतलब जलस हो रही इसको, इसके लिए बुराई कर रहा हो। तो ये नहीं, अगर कोई मतलब अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है आपको, इसका मतलब आप आगे बस सही बढ़ रहे हैं। तो उसको मतलब आप नेगेटिव को छोड़ दो, पॉजिटिव को पकड़ ले, तो ऐसा कर सकते हैं जी। तो इसमें जैसे मतलब बहुत सारे हमने देखे हैं इसमें कि आपके माँ बाप को भी बहुत सारे सिखाने आ गए, ले लड़की को पढ़ा दिया उन्होंने, लड़की को आगे बढ़ा दिया, लड़की तो घर में साफ करने वाले, बर्तन साफ करने, जो ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो इसमें ऐसी ऐसी सिचुएशन सामने आई है कभी माँ बाप की तरफ से भी आप ना पढ़े ऐसे दुनिया वाले ऐसे बोल रहे हैं, मतलब मोहल्ले पड़ोस वाले ऐसे बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन कभी आई जिंदगी में लाइफ में? जी मेरे घर पे मेरे पापा भी टीचर हैं और वो मतलब शिक्षा ही सब कुछ है, समझते हैं वो इस बात को। तो लोग ऐसा तो डायरेक्टली नहीं बोलते कि इनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब जब पढ़ाई पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है मेरे घर पर ज्यादातर, तब कोई लोग बोल देते हैं कि हाँ इतना भी क्या पढ़ना। लेकिन उस टाइम पर भी पापा हमको हमेशा समझाते कि पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है, और उनको भी समझा दिया जाता है कि यही है जिंदगी, इसके अलावा क्या है। क्योंकि पढ़ाई हमारी खुद की क्वालिटी बढ़ाती है, पढ़ना केवल वो किताबी ज्ञान नहीं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप्ड होती है उससे वाली। जी। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना, मतलब एक तो जैसे देखते हैं ना, मतलब जब माँ बाप कोई काम बताते हैं अच्छे काम करने के लिए, बहुत सारे बच्चे करते नहीं है। तो इससे अगर आदमी को जो कोई कोई काम नहीं करता है, तो आप बच्चों की फीलिंग को अच्छी तरह जानती हैं कि आप खुद ही बच्ची हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जो है ना अच्छे काम को भी करने से रोक देते हैं, बुरे काम तो बिना चुपचाप कर देते हैं कभी जाकर के, लेकिन अच्छे काम खास करके करते नहीं बच्चे। तो उनको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अच्छे काम, मेरा मानना ऐसा है कि जब आदमी अच्छा काम नहीं करता ना जी, हाँ, अच्छे काम वो इसलिए नहीं करते हैं, या तो समझते नहीं है कि अच्छा है, या फिर उसको करने से डरते हैं, इसलिए कोई अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन अच्छे काम मतलब आप उदाहरण देंगे किस अच्छे काम की बात कर रहे हैं? जैसे मतलब घर में कहा भाई बच्चों को, भाई आप मतलब कोई घर का काम करना है जैसे, और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या कई बार क्या होता है ना, अगर खाली बैठे हैं घर में, जैसे कि अभी आपकी मम्मी ने कहा भी आप घर में बर्तन साफ करने हैं, या कोई और ऐसा काम करना है जिसकी मतलब आपकी मम्मी की तबीयत खराब है या बाप की तबीयत खराब है, उसमें बोल देते भी आ काम कर लो, तो बच्चे क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं। तो लापरवाही, जी मेरा अपना ऐसा मानना है कि अच्छे काम करने से अगर बच्चा नहीं करेगा ना, तो वो क्या कि उसके अंदर नेगेटिव बातें पैदा, नकारात्मक बातें पैदा स्टार्ट हो जाएंगी, और उसका जो मनोबल जो है ना गिर जाएगा नीचे, वो फिर अच्छे काम भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब अंदर नेगेटिव बात आती है ना, तो फिर अच्छे काम भी उसको दब जाते हैं नीचे, तो नहीं कर पाता। क्योंकि वजन जो अच्छे काम नहीं करने की वजह से क्या हुआ कि जो मन पर बोझ पड़ गया, उसने किया तो कुछ नहीं है लेकिन मन के ऊपर बोझ पड़ जाता है, तो वो अच्छे का जो अंदर जो पैदा हो रहे थे गुण उसके अंदर, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहती है, उनको अच्छे काम कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि अब काम करता है ना जब इंसान, आदमी अंदर से भी सुकून महसूस करता है, जिनके लिए जिनका कहना माना उनके, उनको भी अंदर सुकून महसूस होता है। क्या ख्याल है, सही है गलत? काम करना चाहिए। जैसे घर के कोई काम है तो वो भी करना चाहिए, मम्मी पापा जब काम करते हैं तो उनका हम सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन कोई बच्चे काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो ये कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मेरे को ये करना है तो मैं अभी वो काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये होता है कभी कभी कि कभी हमको ज्यादा टाइम देना पड़ता है स्टडी को, या फिर हम जो कुछ अपना काम कर रहे होते हैं उसको, लेकिन हम इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बाकी चीजों को पूरी तरीके से कि अब तो मेरे को और कुछ नहीं करना है, बस मैं जो कर रहा हूँ यही है। क्योंकि हम कर ही क्यों रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपने मम्मी पापा अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको अगर हमने एक साइड रख दिया और डायरेक्ट बस हम उसी को ही कर रहे हैं, तो एक तो ये भी हो जाएगा कि हमारा माइंड जो है वो डिप्रेस्ड हो जाएगा एक तरीके से, और फिर हम उनसे अच्छा लगाव महसूस नहीं कर पाएंगे। तो जी काम जी जी हमको करना चाहिए टाइम को मैनेज करते हुए। जी तो बहुत सारे टीचर इसमें क्या होता है, मतलब जैसे बच्चे जो है ना बहुत सारे स्कूल तो जाते हैं, और स्कूल में घर से तो स्कूल में चले गए, आपको तो डैडी है साथ में घर, वो तो पता होता है इन चीजों का, जो मास्टर उनको से अच्छे से जानते हैं कि कोई बच्चे स्कूल तो घर से निकल के स्कूल के लिए स्कूल में जाते नहीं है, बीच में टाइम पास करके घर आ जाते हैं। वो ये इन इन बच्चों को क्या कहना चाहती है? क्योंकि वो तो जो वक्त चल रहा है उनको, उनका घर घर वालों को तो नुकसान कर रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ का भी नुकसान कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ऐसा है कि जो 13 साल से लेकर के 25 साल तक के बच्चे की जो उम्र होती है बहुत कीमती होती है,
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि यही उम्र होती है इंसान की, आगे बच्चे को कुछ कामयाब बनने के लिए, यही उम्र होती है इंसान को फिर प्यार व्यार में फंसने के लिए भी, यही होता है इसमें तो। लेकिन प्यार में अगर फंस जाए ऐसे उस उम्र में आकर के, तो ये फिर जो कामयाबी मिलनी थी उससे रह जाता है, फिर सारी जिंदगी जो है फिर परेशान होकर मरता है। उन बच्चों के क्या कहना चाहती है जो ऐसे वक्त में, जो ये जो वक्त चलता है इसमें बहुत सारे टाइम खराब होकर जाते हैं, बाद में पछताते हैं बहुत सारे। अभी जो इतने जवान है फिलहाल, जो जिनकी शादी भी हो गई है, उनको इसी निकल गए इस चीज से, उनको पता है इस चीज का, उन्होंने टाइम खराब किया है। लेकिन जो आने वाले वक्त में अगर बच्चे टाइम ना खराब करें, उनको क्या कहना चाहते हैं जी? सर ऐसा है कि जब भी मैं खुद ऐसा देखती हूँ कि जो बच्चे हैं वो ना तो ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि 10th 12th स्टैंडर्ड के और कॉलेज के भी हम देख ले तो वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई दूसरा काम या फिर कौशल जो हम कहते हैं वो सीख रहे हैं। तो मतलब उनकी लाइफ क्या है कि बस वो अभी चल रही है, उसके बाद में उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो क्योंकि ये जो आपने बिल्कुल सही सही कहा है कि ये जो 13 से 25 साल की उम्र है ये सबसे बेस्ट है, यानी कि हमारे पास प्लग है एक तरीके से, और उसको हम किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं। वो या तो गोल्डन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, कोयले का हो सकता है, या वो चलता नहीं है वो भी हो सकता है। तो इसको आप किस में लगाना चाहते हैं, यानी कि ये लाइफ अपने आप हम डिसाइड कर सकते हैं। 10th के बाद ऐसा होता है कि हमको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, जिसमें अगर हमने बायो चुना तो हम डॉक्टर बन सकते हैं, मैथ्स चुना तो इंजीनियर बन सकते हैं। तो वो बनने से हमको कोई नहीं रोकता है, बस हम खुद रोकते हैं। तो हम अगर कुछ करना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ को पूरी समझ ले कि मेरी लाइफ आखिरकार है क्या और मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, मतलब थोड़ा दूरदर्शी भी बनना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। जैसे अभी हम टीवी देख रहे हैं मान लो और मस्ती कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट और कार्टून देख रहे हैं, तो अभी का टाइम अच्छा पास हो रहा है, लेकिन आने वाला कल कैसा होगा। तो सम्यक मार्ग अपनाना चाहिए कि अभी भी खुश रहो और फिर बाद में आने वाले समय के लिए आप खुश रह सको, ऐसी काबिलियत बढ़ाओ। तो मैं तो इनको यही कहना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब इसमें क्या होता है ना, अभी जो मतलब आदमी को पता है कि मैं रोटी खानी है सुबह को, मतलब अगर कल को रोटी खानी तो आज कमाई कमाई करके लाएगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर वो सोच रहे तो मैं कल को रोटी खाऊंगा तो मैं आज क्यों कमाऊँ, मतलब कल को ही कमाऊंगा। उसमें तो बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे तो इसमें जो है ना, बहुत सारे भविष्य को छोड़ देते हैं, मतलब किस्मत के पर छोड़ देते हैं। किस्मत के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत सारे कहे मेरी किस्मत में हो जाएगा, मिल जाएगा ना, तो क्या 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 करना है, तो किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं वो सारे खेल को। किस्मत के ऊपर क्या कहना चाहती है? अगर आप भी किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं, क्या ये कामें भी मिल जाती है आपको? नहीं, किस्मत किस्मत खुद होती नहीं है, किस्मत तो वो होती है जो हम मेहनत करते हैं, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसको हम किस्मत का नाम दे देते हैं। जैसे अगर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो और अगर आप मेहनत कर रहे हो बहुत अच्छे से, और मेहनत करने के बाद अगर आपने उसे पा लिया तो इसका मतलब आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन अगर नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है उसमें कहीं कमी रह गई है। तो किस्मत यही है, मतलब हम मेहनत करेंगे तो अपने आप हमारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। मेरा बड़ा मानना ऐसा है कि किस्मत के भरोसे कोई भी काम मत छोड़िए। किस्मत तो आप खुद बना सकते हैं। अगर आज अच्छा काम करेंगे तो कल का उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। तो ये तो आपने कहावत सुनी होगी ना, अगर बुरे काम का बुरा नतीजा, जब आदमी बोलता है इसको तब बोलता है जब आदमी को नतीजा सामने आ चुका होता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। जब बुरे काम का बुरा नतीजा आ सकता है तो अच्छे काम का अच्छा नतीजा क्यों नहीं आएगा? अच्छे काम को आप मन लगा करें, है तो अच्छे काम को मन लगा कर करें, उसका अच्छा नतीजा आएगा। हम 100% कर नहीं देते। हम तो बहुत सारे अच्छा एक काम, बहुत सारे हमने देखे लोग बात, मतलब जैसे है ना, अच्छे काम के लिए कन्नी कतराते हैं लोग। बहुत सारे सोचते हैं ना, ये बार मैं क्यों करूँ, उसको कोई और करेगा, और मैं इसको कर भी नहीं सकता हूँ। और बुरे काम को क्या करते हैं आदमी, चुपचाप करके भी आते हैं और घर बैठ जाते, बताते भी नहीं किसी को। वो जो इनको इसको मतलब इस चीज को कैसे देखना चाहती है? मतलब जैसे अच्छे काम के लिए बहुत सारे कन्नी कतरा जाते हैं, क्यों क्यों नहीं कर पाते लोग, बात क्या मतलब इसका, मतलब बताए थोड़ा, अगर अंदाजा लगा कर थोड़ा सा जी। अच्छे काम हमारे अंदर जो मेंटेलिटी है कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम बुरा है, उसका मतलब अगर हम किसी काम को करते हैं तो उससे लोगों का भी भला हो, यानी कि सबका हित हो, ऐसी अगर हमारे अंदर संस्कार है तो हम अच्छे काम को करने की मतलब जैसे अगर दो काम है जिसमें एक में सबका भला हो रहा है, एक में किसी का भला नहीं हो रहा है और किसी का बुरा हो रहा है, तो हम कब किस काम को चुनेंगे, तो ये हमारे संस्कारों पर डिपेंड करता है।
कि हम किस टाइप के इंसान हैं। तो अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हम सबके हित वाला काम चुनेंगे। और उसके बाद आती है हम उस काम को करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और सबको सबको उससे खुशी मिल रही है और सबका हित हो रहा है, और हमको भी अगर उस काम को करते हुए खुशी मिल रही है तो वो काम अच्छा है, और हम करेंगे उसे अगर हमको खुशी मिल रही है, तो खुशी यानी कि हमारा उसमें इंटरेस्ट कब जगेगा, जब हम तो उस काम को करना जाने, है ना। अगर हम किसी काम को करते हैं और उस काम को करने की काबिलियत नहीं है तो वो अच्छा कैसे लगेगा। जैसे कोई एक्टिंग करता है, एक्टर एक्टर है या एक्ट्रेस है, तो वो एक्टिंग करता है तो उसको एंजॉय करता है, लेकिन कब, जब उसे वो अच्छे से आता है। जैसे कोई कवि है वो बोलता है या फिर कविता सुनाता है, तो वो कवि जो खुद कवि बनना चाहता था या खुद कवि है और उसमें काबिलियत है कि वो बहुत अच्छे से बोलता है मंच पर, तो मंच पर बोलते हुए उसको खुशी मिलेगी और वो अंदर जी से फुलफिलमेंट से हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसमें इतनी काबिलियत नहीं है तो उसको डर लगेगा। तो इसलिए हमको आनंद के साथ कुछ काम करना चाहिए जिससे सबका हित होता है। जी तो मैं एक शायरी सुना देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक शायरी लिखी थी, कोई 2-3 साल पहले लिखी थी, कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों, वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। बहुत तो अच्छा लगा। आदमी के मन में है ना, मन के अंदर उमंग होती है इस चीज की, वो आदमी शिकर सकता है इस चीज को। और ऐसा तो होता नहीं, मैं मेरा अपना मानना ऐसा है, गुरु नानक साहब के बाणी के अंदर लिखा है कि जो ब्रह्मंड है सोई पिंडे, बोले पिंड का पता, ये शरीर हमारा है, कि जो ब्रह्मंड के अंदर नजर आ रहा है, चांद सूरज जितने भी जो जो कुछ भी नजर आ रहा हो, हमारे शरीर के अंदर है। मेरा अपना मानना ऐसा है कि हर एक टैलेंट इंसान के अंदर छुपा होता है। अभी आपने देखा होगा, एक एक बात सुनी होगी आपने, कि भाई गांव के अंदर जो बात करते हैं ना, जैसे गाय भैंस बोल देते हैं ना, वो गाय भैंस जो पशु होते हैं उनको कहते हैं बहुत सारे गांव के, ये अन बोलता धन है जी, ऐसा बोलते हैं ना गांव के अंदर। तो ऐसा तकरीबन 90% लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं मानता हूँ। मैं इसको ऐसा मानता हूँ, अन बोलता धन कोई भी नहीं है, वो उसकी भाषा अलग है, उसकी भाषा हमें समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलता है। अभी पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने लोग देखे होंगे आपने, क्या अलग अलग भाषाएं हैं, क्या हम समझ सब, क्या हम सबकी भाषा बोल लेते हैं, नहीं बोलते ना। तो इसका मतलब अगर अगर उनकी भाषा में नहीं आती, इसका मतलब वर्ड बोलता वो भी है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक इंसान टैलेंट, जो माइंड जो है ना इंसान का माइंड, ये बहुत कीमती, बहुत रहस्यमय है, इसके अंदर सारा कुछ छिपा। तो टीना एक बात बताएं, जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो कितने बच्चों ने इसमें आपका जो है आपसे कुछ सीखा और आपके साथ में आगे चलने की कोशिश की, बच्चे आपके जो आपके क्लास में जितने बच्चे हैं जब मैं क्लास में रहती थी तो मतलब मेरा ऐसा रहता था कि मेरे को जो टॉपिक समझ में आ गया है, और अगर क्लास अगर थोड़ी खाली है या रेस्ट का समय है तो मेरे को वो समझ में आ गया तो मैं उसको एक्सप्रेस करूँ, दूसरों को भी समझाऊं, तो इससे मेरा भी पक्का हो जाएगा और जो मेरे क्लासमेट्स है उनको भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने बहुत बार, और सर भी बोलते थे कि चलो ठीक है आप भी, मतलब वो सिखाते थे कि इससे वो क्वालिटी डेवलप होगी, तो मैं खुद बोर्ड पर भी पढ़ाती थी कभी कभी, तो उससे उनको भी समझ में आता था, तो वो खुद भी होते थे कि हाँ हमको भी थोड़ा आगे करना है। फिर दीदी बोलती थी कि हाँ आप भी कर सकते हो, तो इस टाइप से उनको भी हमने समझा। कितने बच्चे आपकी, जो आप जितने नंबर आप लेकर आए हैं, जितना जो कुछ भी आपने कामयाबी हासिल की, आपने अकेले नहीं की है, कोई और भी साथ में थे, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, या थर्ड नंबर पे, कौन कौन बच्चे आए? वैसे इतनी इतने ज्यादा नंबर तो हमारे स्कूल से तो नहीं आए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आपने पारी मार दी इस बार है, बाजी मार दी है। वो बेसिक कंप्लीट था मतलब बचपन से ही। नहीं, अच्छी बात है। देखो सपना सजाना उसको पूरा, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर जिसको आदमी नहीं कर सकता। आदमी हर एक काम को कर सकता है, सिर्फ मन बनाना पड़ता है। हमने देखा होगा आपने शायद, है कि कहीं आदमी जो है ना, कहते हैं कि आदमी के जो मतलब आदमी पंखों से नहीं उड़ता, उसके बुलंद उसकी जो है ना जो ख्वाब होते हैं उससे उड़ता है आदमी। तो ये क्या होता है मतलब कि जी। अगर कोई भी लक्ष्य है तो उसको हम हासिल करने के लिए सबसे पहले तो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को क्या क्या काम आना चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में आए, हर एक काम आए, लेकिन उसमें आपने अगर वो सारी चीजें सीख लिए तो एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप इस टाइप के डॉक्टर बनोगे तो आपके डॉक्टर का लेवल कुछ और होगा, तो ऐसे हमको लेना चाहिए हर चीज को। जी, टीना जी लास्ट में कुछ कहना चाहती हैं हमारे साथियों को जिन्हें सुन रहे हैं पूरे विदेश, आपको देश विदेश में देखा जा रहा,
कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में, अब सब जगह जा रहा आपका लाइफ जा रहा है हमारे में, तो क्या कहना चाहते हैं सभी को आप? आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए, सबको पहले बहुत धन्यवाद। उसके अलावा अगर आप खुद भी अगर कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक ही मंत्र है, सर्वहित आनंदमय समृद्धि के लिए जिए। यानी कि हम सबका हित करें, ऐसा काम करें, खुद को जी आनंद आए ये भी उसमें हम ऐड करें। इसके बाद में समृद्धि, समृद्धि मतलब हमको उससे हमारी आजीविका भी सुनिश्चित हो जाए, और फिर अगर हम कोई काम करेंगे तो सफल होने से हमको कोई नहीं रोकेगा। जी टीना जी, मैं तीन बातें बता रहा हूँ जिंदगी में काम आने वाली है आपका, शायद आपको अब आगे बढ़ेंगी, बहुत आगे बढ़ना है और ये आपके काम आ जाएंगे। आप अगर मैं आपको अच्छी लगेंगी बातें, तो आज जितने भी आपके साथी लोग हैं या मास्टर भी, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने लाइफ के जो रास्ते, मतलब जैसे हम जब सड़क के ऊपर चलते हैं तो वहां पर दो रास्ते होते हैं, एक कहीं से आ रहा है, एक कहीं जा रहा है, डबल रास्ते, मतलब समझ लीजिए कि दो रास्ते होते हैं। तो लाइफ के भी ऐसे ही तीन रास्ते हमने निकाले हैं कि जो सही दिशा कौन सी है, गलत कौन सी है, और जो है किस दिशा में जाकर आदमी क्या नुकसान हो सकता है। हमने इसके तीन रास्ते निकाले हैं, जैसे कि मतलब लाइफ के तीन रास्ते, जो बहुत सारे तो इसमें चलते हैं, जो बंदे झूठ ही झूठ बोलते हैं, मतलब बेईमानी ही बेईमानी करते हैं, ये जिंदगी का रास्ता बता रहा हूँ, इसका आम रास्ता नहीं है। तो जो लोग झूठ ही झूठ बोलते हैं, बेईमानी ही बेईमानी करते हैं, उनको गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनके रास्ते में दुखों से उनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उन्होंने रास्ते ऐसा चुन लिया कि झूठ बोलना और बेईमानी करनी, ये सबसे बड़ी जो है मानसिक रोग है, झूठ बोलना और बेईमानी करनी। और जो दूसरा रास्ता है कि सच्चाई और ईमानदारी, सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, सच बोलना, ये सही रास्ता है। इसमें आदमी को सुख, जो इतने सुख आएंगे, इतने सुख आएंगे, सुखों को कोई नहीं छीन सकता दुनिया के अंदर से। लेकिन तीसरा जो रास्ता है, ये बड़ा खतरनाक रास्ता है, यहाँ पर बहुत लोग इसी के ऊपर अटके पड़े हैं कि कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं। इससे क्या हो रहा है, ऐसे लोग जो है ना माइंडली तौर से जो है ना, इनका माइंड जो विकसित नहीं होता हुआ, क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या किस टाइम कौन सी चीज बोलूं, तो कंफ्यूज आदमी जो है ना फिर मार खा जाता है, और मार खाने में फिर जो बोल वो अड़ जाता है। तो आपने क्या करना है, सच बोलना और ईमानदारी के साथ चलना। अगर आपने भविष्य को कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हैं, अपने आप को इतना बुलंद पर ले जाना चाहते हैं, तो सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता आपको धरती से आसमान तक चमकाएगा, और झूठ और बेईमानी का रास्ता नीचे उतार देगा और नरक में ले जाएगा। और जो ये सच और ईमान, कभी सच बोलते कभी झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ कुंभकर्णी नींद में सो जाएंगे, इनको कुछ पता नहीं लगेगा, तो इसमें ना फंसे और जो सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चले। तो अब इसमें हम चाहते हैं कि हम आपके माँ बाप को भी और आपके टीचरों को भी वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आपको स्पेशल धन्यवाद बोलते हैं और बधाई भी बोलते हैं। और आने वाले वक्त में हम आपको सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे आपके नाम से, एक हमारा सर्टिफिकेट भी जारी है, जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे लोग ज्यादा चलते हैं, उनको हम सर्टिफिकेट भी देते हैं वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। तो आपका स्पेशल धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए नेटवर्क क्रांतिकारी नेटवर्क लाल जी ने आपका इंटरव्यू करा, उनका भी स्पेशल धन्यवाद, आपके डैडी का भी धन्यवाद। शुक्रिया जी, सत धन्यवाद। श्रीकाल, थैंक यू आपका।